हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज है चांद रात, ईद की चांद नज़र आ चुकी है और मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी। रूम का तो साफ सफाई हो गया और ये देखिए, ये पर्दा चेंज कर रहे हैं और बाकी रूम का सारा पर्दा चेंज हो गया। और ये देखिए गाइस, ये बताएं ये पर्दे का कलर कैसा और पर्दे का डिज़ाइन माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। और भी बहुत सारा काम है गाइस, आज बहुत टाइम लग गया साफ़ सफाई करने में। रमज़ान के पहले की थी, मैं मायके से आई थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उस टाइम भी, और अभी भी एक डेढ़ घंटे से मैं साफ़ सफाई कर रही। शायरीश को मेहंदी लगाने के बाद मैं रूम में हाथ। और गाइस, आपको पता है कि नाज़नी का आधा काम हम करते हैं तो इसलिए घर पे है तो अभी हाथ बटा दे रहे हैं। पर्दा ये सारा काम हमारा है गाइस, सारा काम ये नहीं किए गाइस, सारा साफ सफाई तो हम किए, क्योंकि पर्दा लगा रहे हैं और बाकी सारे रूम में लगा है। तो जब फाइनल हो जाता है पर्दा तो दिखाते हैं, बने रहिए आप हमारी वीडियो। पर्दा कैसा लग रहा है गाइस ये जरूर बताइएगा। देखिए गाइस, फिर आप लोगों ने मेहंदी लगाना, आप लोगों को भी लगवाना है मेहंदी तो आ जाइए। आज शरीर की मेहंदी देख के आप बताइए कितनी अच्छी लगाई थी नाज़नी, बताइएगा आप जरूर। गाइस ये देखिए नाज़नी कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है माशाल्लाह। और ये देखिए शरीफ की एक हाथ में लग गई है, अभी पीछे तरफ लगी है, आगे बाकी है। और ये आप देख सकते हैं नाज़नी बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है माशाल्लाह। हाँ, काफ़ी देर से लगा रही है गाइस। नाज़नी तुम कितना बजे लगाओगी? गाइस तो फाइनली मेरे रूम में पूरा पर्दा लग गया है और ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी थक गए थे तो नाज़नी हमारे लिए पर्दा लगाने के लिए, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा चाय बना के पर्दा कैसा लग रहा है। पर्दा लगाऊंगा तो चाय बना के देना चाहिए। देखिए चाय बना के दिए, चाय ला के दिए। टाइम बज रहा 12 बजे, हम लोग 12 बजे चाय पी। बताइए गाइस ये कैसा तरीका, और ये देखिए ऊपर भी ब्लू ब्लू लगा दिए तो मेरे रूम में अभी सारा ब्लू ब्लू, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आप लोग बताएं कैसा लग रहा है, आप लोग की भी राय जाननी है तो बने रहिए। और गाइस पता है मेहंदी ला के रखे हुए लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि शरीर को लगा दी है, शरीर को लगा दिया मैंने, फिजा को भी लगा दिया। मेरा हाथ अभी खाली है, अभी लगाएगी ये। बने रहिए हमारी वीडियो में, दिखाते हैं कब मेहंदी लगाएंगे हम। अभी तो 12 बज रहा है, अभी काफी टाइम है गाइस, अभी काफी टाइम। आज रात भर ऐसे भी हम लोग सोएंगे नहीं, मस्तीबाजी करेंगे क्योंकि बहुत सारा काम है। तो एक चीज तो हमने आपको बताया नहीं, अभी फिजा अपने हाथ का मेहंदी लाल करने के लिए लौंग को जला के वो अपना हाथ से करती है। तो देखिए शायरिश भी गई थी, ये अपना हाथ जला ली जाके लौंग से सेकने के चक्कर में कि ज्यादा लाल हो गया, लाल आएगा, मेरा पूरा हाथ जल के पूरा रेड हो गया। सबको बता दीजिए आपने। और गाइस देखिए फिजा की मेहंदी खुद से लगाए हैं हम, नहीं खुद से नहीं लगाई है गाइस, ये मैं लगाई हूँ। और इसका फेस कल दिखाएंगे आप लोगों को सुबह में जब तैयार हो जाएगी, तब थोड़ी सी अच्छी लगेगी तैयार होके, अभी नहीं दिखा सकते। एक सेकेंड मैं बोल रही हूँ ना इधर। और गाइस देखिए ये मेरी मेहंदी है, बताएं आप लोग कैसे लग रहे हैं। ये भी मैं लगाई हूँ गाइस। हाँ गाइस, और मेरा एक गंदा चीज हो गया, मेरे हाथ जल गया। और गाइस आप लोगों को एक और चीज दिखाने वाले, ये देखिए इसका ये मेहंदी छुड़ा ली। हाँ गाइस क्योंकि कुछ काम हो गया, बता दे क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, रात के बज रहे हैं 2 और काम करते करते इतने ही ज्यादा थक गए। ये देखिए सिंपल सा मेहंदी, ये देखिए नाज़नी सिंपल सी मेहंदी लगाई थे, एक तरफ वो अपने से लगाई थी और एक हाथ में नगमा लगाई थे। आप देख लें, ये नगमा लगाई थे वो अपने से लगाई, और अभी रात के 2 बज रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस अभी बज रहे हैं 2 और काफी ज्यादा थक भी गए थे, बहुत सारा काम था। ये देखिए पर्दा वर्दा सब लगा भी दिए, और ये देख ले नाज़नी मेहंदी लगाने के लिए नाज़नी एकदम सिंपल मेहंदी लगा ली है, और एक तरफ नगमा लगाई ये वाला और ये वाला अपने से लगाई, और थोड़ा हेल्प हम भी किया है। कुछ नहीं किया इनको लगाने के लिए, बोले तो ये नहीं लगाया, थोड़ा हम किए हैं गाइस, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा मेहंदी कैसी लगी नाज़नी की, आप जरूर बताइएगा। और अब आ रही नींद, अब हम लोग जा रहे हैं सोने, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, आप हमारे ब्लॉग में बने रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और ये देखें हम तैयार हो गए माशाल्लाह, और सनत भी तैयार हो गया। ये आप देख ले सनत को, सनत का खान ड्रेस बहुत ही अच्छा खड़े हो सनत, ये आप देख ले गाइस सनत का खान ड्रेस बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। अभी सनत अपनी जुत्ती निकालेंगे, जुत्ती नहीं पहने हैं, और माशाल्लाह हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने क्योंकि 5 बजे से उठे हुए हैं गाइस। ये देखें
चादर वादर पर्दा उर्दा सब एकदम बढ़िया तरीके से हो गया माशाल्लाह। अब चल के देखते हैं नाज़नी क्या क्या बना रही है। नाज़नी बहुत सारी डिश बना रही है और नाज़नी बहुत ही परेशान है, मतलब सुबह से 5 बजे से उठ के बहुत सारी चीज़ बना रही है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस, गांधी मैदान में 8:15 बजे जमात है तो निकलना पड़ेगा हमको। हम मस्जिद में नहीं, गांधी मैदान जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने इंशाल्लाह। चल करके देखते हैं गांधी मैदान इंशाल्लाह। एक तरफ शीर खुरमा बन रहा और एक तरफ चिकन, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है गाइस। तो अलहमदिल्ला ये नगमा बना रही है शीर खुरमा और ये नाज़नी चिकन बना रही है और भी बहुत सारा चीज़ें वो हम दिखाएंगे आज। काफ़ी सारी डिश बन रही है माशाल्लाह हम लोगों का अलहमदिल्ला। गाइस हम तैयार हो गए और अब इंशाल्लाह कुछ देर में निकलेंगे नमाज़ पढ़ने और मैं जा रहा हूँ गांधी मैदान नमाज़ पढ़ने और वहाँ जा कर के आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे तो हर मस्जिद में माशाल्लाह एक बार दो बार नमाज होती है, हर सारी मस्जिद में गया मैं तो। हम जा कर के वहाँ देखते हैं और आपको दिखाते हैं कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी भीड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये आप देखिए, ये प्याला है, इस पर फातिहा पड़ेगा, उसके बाद हम लोग प्याला खा करके जाएंगे नमाज पढ़ने। तो आप देख सकते हैं गाइस, और नाज़नी अगरबत्ती जला रही है, ये आप देख लें, देख लीजिए गाइस। तो जल्दी जल्दी अब कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं, प्याला खाएंगे उसके बाद हम लोग चले जाएंगे नमाज पढ़ने। नाज़नी अभी नहाई भी नहीं है, नाज़नी जाएगी नमाज पढ़ने। अल्लाह देखिए प्याला कितना अच्छा बनता है हम लोग का ना, और इसी को खा करके हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ने। आप देख लीजिए गाइस। तो गाइस ये तैयार हो चुके हैं और ये देखिए मैंने प्याला भी बना दिया और नौशे भाई अभी फातिहा करेंगे उसको और उसके बाद ये लोग पीकर जाएंगे नमाज पढ़ने। और अभी तो हम नहाए भी नहीं है क्योंकि किचन में बहुत सारा काम है। और नौशे भाई ये देखें, नौशे भाई फातिहा दे रहे हैं गाइस और खाएंगे हम लोग फातिहा का प्याला और उसके बाद चले जाएंगे नमाज पढ़ने। और ये देखिए शदीफ भी तैयार हो गए माशाल्लाह, आप देख सकते हैं शदीफ का खंड बहुत ही अच्छा है और सारे लोग हम लोग खंड सी पीने में माशाल्लाह। तो माशाल्लाह देखिए प्याला फातिहा हो चुका है और ये लोग खा कर इसको जाएंगे नमाज पढ़ने। और इधर है सनत, ये हमारे ब्लॉग में पहली बार आया और इधर है आमिर बाबू, ये भी तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। शाहजेब खां भी तैयार हो गए हैं और ये लोग सबको ही प्याला खाकर जाएंगे नमाज पढ़ने। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं चारों खान ड्रेस में। साला बहनोई बीच में वो बहनोई साहब हैं इन लोगों के, और ये लोग अब प्याला खाकर जाएंगे नमाज पढ़ने। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, जल्दी जल्दी आप लोग खाइए और जाइए नमाज पढ़ने। और आप लोगों को ईद मुबारक। देखिए नौशे भाई छूट गए थे, अभी नौशे भाई को बुला के लाए हैं। ये देखिए नौशे भाई भी ले लिए प्याला और नौशे भाई फातिहा देंगे। हाँ फातिहा तो नौशे ही भाई की है। अच्छा हमको भी आता है लेकिन नौशे ही भाई इतने दिलवाते हैं। नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं ये। तो गाइस मिलते हैं फिर ईद की नमाज के बाद, सबको ईद मुबारक सबकी तरफ से। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए आरिफ तैयार हो गया, अभी दो ठो और नहीं उठे हैं मेरे प्यारे भगना। हाँ वो लोग अभी सो रहे हैं, आपको दिखाएंगे। और अरीब का देखिए खांडे कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है अरीब सबका खांडे बहुत ही प्यारा। आमिर बाबू का, अरीब का, शदीब का, मतलब घर में सारे लोग का खांडे बहुत ही बढ़िया है। दो ठो भी सोया हुआ है अभी दो ठो माशाल्लाह। गाइस ये देखते हैं आप गया में गांधी मैदान में हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं ईद की। और देखिए माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह। और देखिए गाइस माशाल्लाह कितने सारे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हो गई, हम लोगों की 8:30 बजे नमाज थी यहाँ पे जमात, तो हम लोग की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई ईद की नमाज। देख सकते हैं हमारे कितने सारे लोग हैं माशाल्लाह। अब हम लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकल गए, आप देखें कितने सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं नमाज पढ़ने गांधी मैदान में, ख़ास करके ईद के दिन तो और ज़्यादा लोग आते हैं। बहुत ही मुश्किल हुआ निकलने में लेकिन निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, लोग निकल रहे हैं, रास्ता कम छोटा पड़ जा रहा है, ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 8 बजे ईद की नमाज हुई और मुख्य नमाज हो गई, अब तक तो ईद मुबारक। अब
मेरे पीछे देखे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लोग निकल रहे हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकले और ये देख ले अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग थे गाइस, लगता 2-2.5 लाख आदमी से कम नहीं थे। आप देख सकते हैं कितने लोग हैं। और ये रही मेरी बाइक, आपको मानी है तैयार हो चुकी हूँ फाइनली, लेकिन 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 मैंने मेकअप नहीं किया है। और गाइस हम नहा के आ गए, देखिए ये है मेरा ड्रेस, इसके अंदर है अभी हम पहनने वाले हैं। शायरीश बोली कि मामी ये वाला पहनो आप, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है गाइस, और मैंने ब्लैक पहना है। और फिजा अभी तक नहाई भी नहीं है, यहाँ के जहाँ करेले में उसको हम दिखाए नहीं। मैंने पिछली बार ब्लैक पहना था, सोचा कि इस बार भी मैंने पहन लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर तैयार होने के बाद। लगा इस नमाज पढ़ के हम आ गए और इन लोगों को 500-500 रुपये पर भी दे दिया, सब जितने भी घर के मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको 500-500 रुपये दे दिया। हम पर भी देने में थोड़ा भी कंजूसी नहीं करते गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छे थे, काफ़ी लोग थे गांधी मैदान में, काफ़ी ज़्यादा लोग थे गाइस। हमको तो बहुत मेहनत से पार्किंग मिली और अगर 5 मिनट और लेट जाते तो खैर नमाज छूट सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लिया हम। अब देखिए नामी ज़्यादा ही स्टाइल मार रही है। ये देखिए गाइस, हेलो गाइस, मैं तैयार हो गई नहा के, और ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक और आप सभी को हमारे तरफ से ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक गाइस, कैसे आप लोग? और जल्दी जल्दी आप लोग सेवई खा लीजिए, शीर खुरमा खा लीजिए, हमारे तो बहुत कुछ बना है। आप हमारे 500 रुपए दे दिया, नहीं गाइस 1 रुपया भी नहीं दिया, नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, अभी मैं जाऊंगी बाहर, नहीं मिले अभी, मैं जाऊंगी बाहर तो हम लोग को, पर अभी फिजा को ये लोगों गोलगप्पा खिला देंगे गाइस, नहीं आप हमारी वीडियो में, अभी शायरीश का बाल भी बनाना है मुझे गाइस, बनाकर मिलते हैं। देख ले शायरीश का बाल ठीक किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा बाल में स्टाइल बना रही है, ये आप देख सकते हैं। और नाज़नी का ड्रेस देखिए और शायरीश का, और उधर रही फिजा, वो अपना मेकअप कर रही है गाइस, शायरीश मेकअप, ये फिजा मेकअप करने के बाद आएगी, हाँ वो मेकअप करने के बाद आएगी व्लॉग में। और शायरीश को आप देख लो, ये देखिए गाइस अकेले अकेले नाज़नी खा रही है, तैयार हो गई है और वो प्याला भी खा रही है, क्योंकि दो बार खा चुके हैं। हाँ दो उठो मेरा फेवरेट है इसलिए मैं 2 खाता हूँ हर साल। और नाज़नी का ड्रेस देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं, थोड़ा खड़ी हो जाओ आप लोग बताइएगा गाइस, और थोड़ा चप्पल भी दिखा दो, आप देख लें काफ़ी अच्छी चप्पल है और माशाल्लाह ड्रेस का ही, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। देखिए मेरा छोटा भगना है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, और ये भी अभी तैयार होके कुर्ता पजामा और शूज़ पहन लिया है गाइस, और ये बहुत ही प्यारा भगना है मेरा माशाल्लाह। और देखिए तैयार होने के बाद, और ये देखिए सदैव कहाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए गाइस, सबसे पहले शरीफ नंबर 1 ये लो, 20 रुपए ये बहुत कंजूसी दिखा रहे पर भी देने में। और गाइस ये देखिए ये नाती की पर भी है, ये आप देख ले गाइस, ना चाहिए हमको 20 ना ले लो, नहीं चाहिए, लो चलो लो, नहीं चाहिए 20 रुपए तो गाइस इससे ज्यादा पैसा नहीं है, बस इतना ही पैसा मेरे पास अभी, सीधा जल्दी आ जाओ गाइस, आपको पता है सीधा आपका फेस, चलो लो ये मेरी बड़ी भगनी है। तो गाइस देखिए शायरीश भी तैयार हो चुकी है, आप देख लो गाइस कितनी अच्छी शरीफिया लग रही है, दोनों ब्लैक ब्लैक, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बताइएगा मेरा खान ड्रेस कैसा लगा, और शायरी ड्रेस कैसा लग रहा है, और ईद तो मन गई माशाल्लाह से, और इन लोगों को 500-500 रुपए दे दिया गाइस, नहीं गाइस झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है, सरासर, ये देखिए गाइस मेरी मेहंदी, और गाइस देखिए ये मेरी मेहंदी, और गाइस आपको पता है मैं फर्स्ट टाइम ये इयररिंग्स पहनी, बताया हम लोग कैसे लग रहे हैं गाइस,
ईद के लुक में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग की ईद कैसी गुजरी? और इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस, इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। और आप लोग प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइस, हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए और प्लीज पूरा देखिए, स्किप ना करें। और गाइस बड़ी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, आप लोग प्लीज 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 पूरा देखिए आप लोग, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।